नमस्कार, मैं हूँ पयोधि शशि और मेरे साथ आप कर रहे हैं धर्म यात्रा। कहते हैं इस धरती पर जो कुछ भी है सब ईश्वर का रचा है और सब में समाहित है ईश्वर का अंश। हमारे अंदर व्याप्त ईश्वर के उस अंश को ढूंढने और उससे परमेश्वर तक जुड़ने का जरिया हमें धर्म दिखाता है। तो आज का अंक एक ऐसे ही साधन से जुड़ा है जिसके प्रयोग से हमें मिलती है ईश्वरीय कृपा और आशीर्वाद। तो चलिए करते हैं शुरुआत धर्म यात्रा की मेरे साथ। इस धरती पर कई ऐसी वस्तुएं मौजूद हैं जो हमारे जीवन कल्याण के लिए ही हैं। इन्हीं में से एक है रत्न। कहते हैं रत्नों का प्रयोग दूर करता है कुंडली के बुरे योग। तो रत्नों का प्रयोग कैसे पहुंचाता है लाभ और आपकी किस समस्या के समाधान के लिए किस्म रत्न का प्रयोग करें आप, चलिए बताते हैं मानव जीवन से जुड़ी कुछ जटिल समस्याएं और रत्नों से जुड़े उसके सरल समाधान। क्या आपको बार बार आ रहा है गुस्सा? क्या ना चाहते भी आप कर बैठते हैं बदजुबानी? दिन ब दिन होते जा रहे हैं आलसी और लापरवाह? ऐसी तमाम बुरी आदतों से छुटकारा दिलाएंगे कुछ जादुई रत्न। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इंसानों को गलत दिशा में ले जाने के लिए कुंडली के ग्रह ही जिम्मेदार होते हैं। ऐसे में कुछ खास रत्नों के प्रयोग से आप अपनी हर बुरी आदत से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर रत्नों से कैसे दूर हो सकती है आपकी बुरी आदतें। कहा जाता है कि कुंडली के ग्रह खराब हो तो इंसान में बुरी आदतें पैदा होती हैं। ग्रह लंबे समय तक खराब हो तो बुरी आदतें स्थायी हो जाती हैं। अगर हम विशेष रत्नों से विशेष तरंगे शरीर में भेजें तो आदतें ठीक होने लगती हैं। कुछ खास रत्नों के प्रयोग के साथ खुद भी बुरी आदतें छोड़ने की कोशिश करें। इन उपायों से बहुत जल्दी दूर हो सकती हैं बुरी आदतें। जरूर होगा। पाप ग्रहों के प्रभाव से वाणी और स्वभाव खराब होते हैं। बृहस्पति से मिलती है धैर्य और अच्छी वाणी। बृहस्पति को मजबूत करके वाणी और क्रोध दोनों को ठीक कर सकते हैं। क्रोध और वाणी को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा रत्न है सुनहला। सुनहला पीले रंग का पारदर्शी पत्थर है। सुनहला सोने या पीतल की अंगूठी में दाहिने हाथ की तर्जनी अंगुली में पहने। सुनहला धारण करने का दिन बृहस्पतिवार है। कई बार आप बहुत कुछ सोचते हैं, तमाम योजनाएं बनाते हैं, लेकिन जब काम करने का वक्त आता है तो आपको आलस से बुरी तरह से घेर लेता है। ऐसे में गलतियां बढ़ने लगती हैं और असर आपकी जिंदगी पर भी पड़ता है। तो अगर आप भी आलस से जैसी समस्या से परेशान हैं, तो करें ये उपाय। मंगलवार या सूर्य कमजोर हो तो इंसान की ऊर्जा कम हो जाती है। ऐसी दशा में इंसान लापरवाह और आलसी हो जाता है। शरीर में अग्नि तत्व को मजबूत करने से ये आदत छूट सकती है। इसके लिए सबसे उत्तम रत्न है गार्नेट। गार्नेट सोने या तांबे की अंगूठी में दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में पहने। गार्नेट धारण करने का शुभ दिन है रविवार। कोई भी बुरी आदत आपकी इच्छा शक्ति से बड़ी नहीं हो सकती।
अगर आप अपनी किसी भी बुरी आदत से सच्चे मन से छुटकारा चाहते हैं, तो ये रत्न आपकी जिंदगी में जादुई बदलाव ला सकते हैं। कभी जाने में तो कभी अनजाने में हम सभी ऐसी संगति में पड़ जाते हैं जो हमारे लिए और हमारे परिजनों के लिए मुसीबतें खड़ी कर देता है। अब हम आपको एक ऐसे रत्न के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको अनुचित संगति से बचाता है, आपको सही मार्ग दिखाता है। देखिए वो रत्न कौन सा है। इंसान को अपनी ओर खींचती हैं बुरी आदतें, इंसान को बुरा बना देती हैं बुरी संगतें। एक छोटा सा झूठ भी आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। गलत लोगों का साथ आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। अगर आप पाना चाहते हैं इन बुरी आदतों से छुटकारा, तो ये जादुई रत्न आपके लिए वरदान साबित हो सकते हैं, क्योंकि इन उपायों में छिपा है आपकी किस्मत खुलने का राज। तो आखिर झूठ बोलने और गलत संगति का किस ग्रह से है संबंध, और कैसे मिलेगा इस आदत से छुटकारा, आइए जानते हैं। झूठ बोलने और गलत संगति के लिए बहुत सारे ग्रह जिम्मेदार होते हैं। कुंडली का कमजोर चंद्रमा या खराब शनि इस आदत के मुख्य कारण होते हैं। इस आदत को छुड़ाने में सबसे कारगर रत्न होता है सोडालाइट। सोडालाइट एक नीले रंग का पत्थर है जिस पर सफेद धारियां होती हैं। सोडालाइट को चांदी की अंगूठी में बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में पहने। सोडालाइट धारण करने का दिन होता है शनिवार। ज्योतिष में रत्नों का विशेष महत्व है। जो रत्न ग्रहों और नक्षत्रों की चाल बदल सकते हैं, वो आपकी बुरी आदतों को भी बदल सकते हैं। लेकिन चंद्रमा के रत्न मोती से क्या लाभ होते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और करते रहिए धर्म यात्रा। मोती भी एक ऐसा रत्न है जिसके प्रयोग करने की सलाह ज्योतिषी देते हैं। हम आपको मोती के प्रयोग से जुड़ी हर बात बताने जा रहे हैं। किन लोगों के लिए मोती का प्रयोग लाभकारी है और किन लोगों को नहीं पहनना चाहिए मोती, आखिर क्या है मोती की महिमा, आइए अब ये समझते हैं। हमारी धरती तरह तरह के रत्नों से जुड़ी हुई है। कई रत्नों के विषय में हमें जानकारी होती है, जबकि कई रत्न ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में हमें अभी तक मालूम शायद ना हो। ज्यादातर रत्न निर्जीव पत्थर के जैसे होते हैं, जिनका इंसान पर उनकी राशियों के हिसाब से अलग अलग प्रभाव पड़ता है। लेकिन एक रत्न ऐसा भी है जो इस धरती पर जैविक संरचना है। एक ऐसी जैविक संरचना जिसको ऋषि मुनियों ने नवरत्नों की श्रेणी में रखा है। इसे हम जानते हैं चंद्रमा के रत्न मोती के नाम से। चलिए आपको मोती के विषय में बताते हैं। मोती एक रत्न नहीं बल्कि एक जैविक संरचना है। मोती को नवरत्नों की श्रेणी में रखा जाता है। मोती मुख्य रूप से चंद्रमा का रत्न है। कभी कभी दवा के तौर पे भी इसका प्रयोग होता है। चंद्रमा की तरह ही मोती भी शांत, सुंदर और शीतल होता है। मोती का प्रभाव मन और शरीर के रसायनों पर पड़ता है। मोती का प्रभाव कभी तेज नहीं होता। मोती रत्न धीरे धीरे और छोटा असर डालता है। चंद्रमा के स्वभाव की तरह ही शांत और शीतल व्यवहार करने वाले रत्न मोती को धारण करने के कई लाभ हैं। जैसे मोती मन को शांत करता है। मोती रत्न दिमागी तनाव को दूर करता है। मोती नींद की समस्या को दूर करता है। मोती अपने धारक का डर दूर करता है। मोती से हार्मोन संतुलित रहते हैं। कभी कभी मोती से आर्थिक पक्ष भी मजबूत होता है। मोती के विषय में एक मान्यता ये है कि ये नुकसान नहीं देता, लेकिन ये गलत है। मोती धारण करने के कुछ नुकसान भी होते हैं, इसलिए उन पर ध्यान देना जरूरी होता है। मोती पहनने में सावधानी की आवश्यकता होती है। मोती मानसिक दशा को धीरे धीरे प्रभावित करता है। मोती गंभीर रूप से अवसाद और तनाव की समस्या दे सकता है। मोती इंसान की घबराहट, बेचैनी और चिड़चिड़ेपन को बढ़ा सकता है। कभी कभी मोती के कारण हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं। तो मोती पहनने के बाद अगर आपको खुद में इस तरह के लक्षण नजर आने लगे, तो सावधान हो जाइए। समझ लीजिए कि मोती आपको नुकसान पहुंचा रहा है। ये जान लीजिए कि मोती रत्न अलग अलग लग्नों के और तत्वों के मुताबिक पहनना शुभ होता है। अब सवाल ये है कि फिर किसको मोती पहनना चाहिए और किसको नहीं, तो चलिए इसका जवाब हम देते हैं। मेष, कर्क,
वृश्चिक और मीन लग्न के लिए मोती शुभ है। वृषभ, मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ लग्न के लिए मोती अशुभ माना जाता है। सिंह, तुला और धनु लग्न वाले खास दशाओं में मोती पहन सकते हैं। मोती को पहनने से पहले अपने कुंडली में ये जरूर पता कर लें कि आप किस लग्न से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने मोती धारण कर लिया और वो आपको नुकसान पहुंचाने लगे। तो ज्योतिष के जानकारों के हिसाब से करे रत्नों का प्रयोग ताकि आपकी कुंडली से दूर हो अशुभ और कष्ट देने वाले योग। धर्म यात्रा में आज के लिए इतना ही। कल फिर करेंगे मुलाकात एक नए कल्याणकारी विषय के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत।